बच्चों, आज गणित में हम त्रिकोणमितीय फलनों के बाद आज नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, सम्मिश्र संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। जैसे तुमने खासा बात देखी होगी कि कोई भी संख्या हो, जैसे 3 है या -3 है, लेकिन अब इनका वर्ग है, तो 3 का वर्ग भी 9 और -3 का वर्ग भी +9। इसका मतलब ये होता है कि संख्या चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन हर संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमेशा हमें धनात्मक संख्या मिलती है। तो बच्चों, वह संख्याएं जिनके वर्ग सदैव धनात्मक होते हैं उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। जैसे 3 हो गई, 3 का वर्ग +9 है तो 3 वास्तविक संख्या है। -3 का वर्ग भी +9 है तो -3 भी वास्तविक संख्या है। 2/3 हो गया, -2/3 हो गया। आपको ये देखना है कि संख्या वास्तविक है या नहीं है, तो आप उसका वर्ग करो। तो संख्या का वर्ग करो तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, -2/3 का वर्ग तो -2/3 की 2 बार गुणा करोगे तो -4/3। तो देखो, वर्ग का मान पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है आपकी धनात्मक संख्याएं हैं। लेकिन बच्चों, वह संख्याएं जिनके वर्ग ऋणात्मक, मतलब अगर हम किसी संख्या का वर्ग करें लेकिन उसका वर्ग ऋणात्मक मिले, माइनस में मिले, तो अगर हमें अगर वर्ग माइनस में मिल रहा है या ऋणात्मक मिल रहा है, तब उस संख्या को हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे आपका ये लिखा हो अंडर रूट के अंदर -2। देखो, अंडर रूट -2 का आप वर्ग करोगे तो वर्ग करने का रूट हट जाएगा, आंसर आएगा -2। तो अंडर रूट -2 का वर्ग -2 आया, क्योंकि अंडर रूट -2 का वर्ग ऋणात्मक है। इसलिए अंडर रूट -2 एक काल्पनिक संख्या है। तो बच्चों, वह संख्याएं जिनके वर्ग ऋणात्मक होते हैं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके विपरीत वह संख्याएं जिनके वर्ग धनात्मक होते हैं वह हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब काल्पनिक संख्याओं की मैं तुम्हें पहचान बता दे रहा हूँ बच्चों, कि काल्पनिक संख्याओं की हमेशा पहचान होती है कि अंडर रूट के अंदर ऋण चिन्ह होगा। जैसे अंडर रूट -3, अंडर रूट -2, अंडर रूट -4। तो अगर रूट के अंदर माइनस चिन्ह है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि वह एक काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इनके वर्ग करोगे तो माइनस में मिलेंगे। ठीक है, इनको संक्षेप में दिखाने की तरकीब और भी है कि जैसे अंडर रूट -3 है तो अंडर रूट -3 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 * अंडर रूट 3। और बच्चों, जो अंडर रूट -1 होता है ये काल्पनिक है और रूट 3 आपका वास्तविक में आ गया। लेकिन अंडर रूट -1 जो है, इसको हल करने की तरकीब, जो काल्पनिक संख्याएं हैं इन्हें हल करने की तरकीब एक यूनानी वैज्ञानिक थे आइलर, यूनानी करते जैसे आइलर, इन्होंने दी थी। और एक ग्रीक भाषा का अक्षर होता है आयोटा, आयोटा जो ग्रीक भाषा का अक्षर होता है, इसके पहले लेटर आई से हम अंडर रूट -1 या काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो इनको प्रदर्शित करने का तरीका हो जाएगा रूट -1 जाएगा आई, आई कैसे लिख सकते हो, रूट -2 का फिर -1 * √2, तो -1 को आई लिख दो, क्योंकि रूट माइनस वन को हम आई कहते हैं, और आई फॉर आयोटा या काल्पनिक संख्या। ऐसे अंडर रूट -4 है तो √-1 * √4, √-1 i और 4 का वर्गमूल = 2। तो काल्पनिक संख्याओं की बच्चों पहचान होती है कि काल्पनिक संख्याएं रूट के अंदर माइनस आ रहा होगा तो सीधे सीधे देख के कह सकते हो वो काल्पनिक है, या किसी भी संख्या के साथ अगर गुणा में आई लगा हुआ है, किस आई फॉर आयोटा, तो अगर किसी भी संख्या के साथ गुणा में आई लगा हुआ है तो भी हम कहेंगे कि वह एक काल्पनिक संख्या है।
ठीक है। अब हमारी सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है बच्चों? कि वह संख्याएं जिनका एक भाग वास्तविक और एक भाग काल्पनिक होता है, उन्हें सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। तो सम्मिश्र का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बच्चों मिला जुला। तो मिला जुला का मतलब है कि जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं आ रही हो। जैसे हम लिखते हैं 2 + 3i, तो 2 + 3i में बच्चों क्या है कि ये 2 जो लिखा है ये आपका वास्तविक भाग है और जो 3i लिखा है ये आपका काल्पनिक भाग है। तो ये 2 + 3i एक ऐसी संख्या हो गई जिसमें एक भाग वास्तविक है और एक भाग काल्पनिक है। तो ऐसी संख्याओं को जिसका एक भाग वास्तविक और एक भाग काल्पनिक होता है यह कहलाती है हमारी काल्पनिक संख्या। ये एक काल्पनिक संख्या का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे लिखाओ 2 - 3i, तो 2 जो पहला भाग है ये वास्तविक है, ये वास्तविक, और माइनस का 3i ये काल्पनिक भाग है। तो इसमें देखो 2 - 3i में एक भाग वास्तविक है और एक भाग काल्पनिक है, तो ये आपकी सम्मिश्र संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिनको जिनका एक भाग वास्तविक और एक भाग काल्पनिक होगा, चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक भाग वास्तविक और एक भाग काल्पनिक है, तो वो हमारी सम्मिश्र संख्याएं हैं। और बच्चों सम्मिश्र संख्या को हम अंग्रेजी के लेटर जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे 2 + 3i सम्मिश्र संख्या है, तो जेड बराबर 2 + 3i, जेड बराबर 2 - 3i, ये इसकी सम्मिश्र संख्या है। और एक जनरल सम्मिश्र संख्या लिखें तो जेड बराबर 1 + i, या जेड बराबर x + i, तो a + i में a वास्तविक हो गया और b के साथ गुणा में i है तो ये काल्पनिक हो गया। x + i में x वास्तविक हो गया और i के साथ y है तो वो i आपका काल्पनिक संख्या हो गया। तो बच्चों जब एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या दोनों आपस में मिलकर लिखी जाती हैं तब उस संख्या को हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या को हम जेड अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसमें बच्चों जो आई आ रहा है, आई को हल करने की और तरकीब बता रहा है। जैसे आई बराबर 2 - 1 है, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है आई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका वर्ग करोगे तो -√-1 का वर्ग -1, तो आई स्क्वायर का मान -1। इसका हम सवालों में यूज करा करेंगे कि आई स्क्वायर का मान -1 होगा, और वर्ग करोगे तो आई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे आई का 4, -1 का स्क्वायर +1, तो आई स्क्वायर का मान -1 लेकिन आई की 4 घात का मान +1, और इसके बाद और वर्ग करो तो आई की 4 घात का वर्ग आई की 8 लेकिन 1 का वर्ग 1, और वर्ग करो आई की 16 का वर्ग 1, 16 का वर्ग करो तो आई की 32 का मान भी 1 का वर्ग 1। तो बच्चों ये ध्यान रखना है आई की सबसे छोटी घात 4 एक ऐसी घात है, आई की 4 घात सबसे छोटी घात है जिस पर वैल्यू +1 होती है, और इसके बाद आप आई की 4 घात का और वर्ग करते चले जाओगे तो आई की घात 8, आई की घात 16, आई की घात 32, उनके मान भी +1 होंगे, लेकिन +1 मान सबसे छोटी घात 4 पर होता है। एक ये बात हमें आगे के प्रश्नों को हल करते हुए ध्यान रखनी है, और एक आई स्क्वायर का मान -1 होता है, इसका भी हम आगे प्रश्नों में यूज करेंगे। बच्चों मैंने जो आई का आपको गुण बताया कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है और आई की 4 घात का मान +1 होता है, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है कि कह रहे हैं इनके मान निकालो, ये 4 क्वेश्चन है। तो देखो आई के गुण पर आधारित ये जो क्वेश्चन है इनके मान हम कैसे निकालेंगे, कि जैसे पहला क्वेश्चन है कि हमें आई की घात -12 का मान निकालना है। तो बच्चों हम जो आई की घात है उसको अगर वो माइनस में है तो पहले आप उसको प्लस में करके लिखें। जैसे आई की घात -12 को प्लस में करके लिखें तो 1/i की घात 12 बटे में करेंगे। उसके बाद आप कोशिश करो
कि जितनी भी घात दे रखी है उसे चार घात के पदों में लिखो, क्योंकि चार घात का मान वन होता है। तो देखो हम कैसे लिख रहे हैं, एक बटा आई की घात 12 को लिख रहे हैं, आई की घात 4 का क्यूब, तो 4 की 12 घात हो जाएगी। लेकिन ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा कि एक बटा आई की घात जो 4 है इसका मान 1 हो गया, तो 1 का क्यूब, तो 1 बटे 1 का क्यूब 1 बराबर वैल्यू होगी 1, इसका मतलब आई की घात माइनस 12 की वैल्यू होगी 1। इस तरीके से हम आई के पदों को हल कर सकते हैं। ऐसे देखो सेकेंड क्वेश्चन है, आई की घात 9 प्लस आई की घात 47। अब देखो इसे हम 8 घात के पदों में लिखें, तो आई की घात सॉरी 4 घात के पदों में, तो आई की घात 4 की पावर 2 अलग हमने करी, तो बच्चों ये आई की घात कितनी बनी, 4 बनी 8 घात बनी, लेकिन यहाँ कितनी लिखी है 9 घात, इसका मतलब 1 घात लिखने को रह गई, तो इंटू में जो 1 घात लिखने को रह गई वो आई की घात है, या आई इसकी बुरा में लिख दिया हमने, तो 4 दुनिया 8 घाती है और 1 घाती, तो टोटल हो गई हमारी 9 घाती। तो इस तरह हमने 4 के पदों में लिखा जिससे आई की घात 4 का मान 1 हो जा सके। ऐसे 39 लिखा है, तो इसे हम जो कैसे लिख रहे हैं, आई की घात 4, 4 का पहला पार जैसे 4 3 36, तो आई की घात 4 की कोई पावर 1, तो 9 चौक 36, तो 36 घाते यहाँ आ गई, और ये देखिए 39 घाते हैं, तो कितनी घाते हैं शेष बची, 3 घाते हैं, तो 3 घातों को हमने यहाँ किया आई की घात 3 अलग करके। अब देखो वैल्यू लगाएं, तो आई की घात 4 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू आई, ये आई की घात 4 का मान 1 की घात 9 इंटू आई क्यू, अब 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 इंटू आई आई, 1 की घात 9 का मान भी 1 होगा तो 1 इंटू आई क्यू का मान आई, और जब हम करें आई प्लस आई क्यूब को हम लिख दे रहे हैं आई स्क्वायर इंटू आई की घात 1, तो 2 घात और 1 घात जुड़कर 3 घात, लेकिन आई स्क्वायर लिखने का फायदा क्या होगा, 3 घात को जो हमने आई स्क्वायर करके लिखा इसमें आप आई स्क्वायर का मान लग जाएगा, तो आई प्लस आई स्क्वायर का मान माइनस 1 इंटू आई, तो आई और माइनस 1 की तरफ से बड़ा माइनस आई, और आई में से आई घटा तो 0, इसका मतलब आई की घात 9 प्लस आई की घात 39 का मान होगा 0। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, आई की घात माइनस 19 का मान चाहिए, तो बच्चों पहले हम इसकी घात प्लस में बना रहे हैं, 1 बटे आई की घात 19 लिखा प्लस में घात हो गई, अब इसे 4 घात के पदों में लें, तो आई की घात 4 की मूल बराबर 4, 4 चौक 16, अब 16 घातें यहाँ आ गई, लेकिन टोटल हमें कितनी घातें बनानी, 19 को 16 में से कितनी बची 3, तो 4 चौक 16 3 घातें हैं, 16 3 19 हो गई, लेकिन अब आई की घात 4 का मान 1 होगी, 1 की घात 4 इंटू आई क्यूब, ये बचा 1 बटे आई क्यूब, इसे अभी हम और हल कर सकते हैं, 1 बटा आई क्यूब को इंटू आई स्क्वायर इंटू आई, अब आई स्क्वायर का मान लगा दो माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू आई, तो बराबर वैल्यू बची माइनस 1 बटा आई, ये इसकी वैल्यू हो गई आई की घात माइनस 19 की। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना है, कभी भी हम आई का पद हल करें और आई का पद हल करके आई जो है बटे में आ जाए, एक बटा आई करके आंसर मिले, आई अगर बटे में मिले तो आपको वो आंसर अभी तक नहीं छोड़ना है, उस क्वेश्चन में अगर आई बटे में मिल रहा है तो उसमें आप आई से गुणा और आई से भाग कर और हल कर सकते हो, जैसे एक बटा आई में हमने जब आई से गुणा करी और आई से भाग करा तो ऊपर हो गया माइनस आई, माइनस वन भी आई से गुणा माइनस आई, और नीचे आई आई की गुणा आई स्क्वायर, अब माइनस आई बटे आई स्क्वायर का मान माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, बराबर आंसर हो गया आई। तो इसका ध्यान रखना है बच्चों, कभी भी हम किसी भी आई के पद को हल करें और हमें आंसर में एक बटा आई करके आंसर मिले, तो बटे में आई आंसर मिले तो वहीं तक नहीं छोड़ना है, जैसे बटे में रूट मिलता है तो ध्यान दिया होगा, जैसे एक बटे रूट दो आंसर मिला तो बटे में रूट मिलता है तो हम परिमेयकरण कर सकते हैं, तो रूट दो से गुणा रूट दो से भाग, वही प्रश्न यहाँ कर रहे हैं कि बटे में आई मिले तो आप सवाल में आई से गुणा और आई से भाग करके उसे इस प्रकार और हल कर सकते हो। देखो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि हमें मान निकालना है आई की घात माइनस में से आना है, तो पहले देखो प्लस में बनाई घात, एक बटा आई की घात प्लस 99 होगी, अब 99 को हम 4 घात के पदों में लेंगे, आई की घात 4 की होल पावर, देखो अगर मैंने 25 कर दी तो 25 चौक तो 100 हो जाएंगे 99 से ज़्यादा, तो मैंने घात करी 24, तो 24 चौका हो जाते हैं 96, 24 चौका 96, तो 96 हो गए, घाते हैं 99,
छियानवे के लिए हमें तीन घातें और जोड़नी पड़ेंगी, तो आई क्यू। अब मैंने आई क्यू घात चार का मान लगाया एक, तो एक क्यू घात का होगा फिर टू आई क्यू, तो बराबर होता है एक बटे आई क्यू। तो आई क्यू को फिर से लिखा आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर का मान माइनस वन इंटू आई, तो यह हुआ माइनस एक बटा आई। अब देखो फिर से आई बटे में ये आंसर बना माइनस एक बटे आई, तो आई बटे में आई तो यहीं पर नहीं आंसर छोड़ना है। इस सवाल में हम फिर आई से थोड़ा और आई से भाग करेंगे, ऊपर माइनस आई नीचे हो गया आई आई क्यू गुणा आई स्क्वायर, तो माइनस आई बटे आई स्क्वायर का मान माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल रेड हो गया आई। तो इस तरीके से हम आई की बच्चों चार घात से अगर बड़ी घात हमें प्राप्त होती है किसी सवाल में, तो इस प्रकार से हम आई की घात चार की वैल्यू वन होती है और आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है। इन बातों का प्रयोग करके हम आई की बड़ी घातों के मान निकाल सकते हैं।